राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तख्तापलट के बाद अब संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से संपूर्ण महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा सभा आयोजित की जा रही है। उसी श्रेणी में राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे के अध्यक्षता में और पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग की विशेष उपस्थिति में नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभा सम्पन्न हुई। इस विशेष मनोगत सभा में कार्यकर्ताओं ने अपना रुझान शरद पवार को समर्पित किया। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वर्तमान परिस्थिति के चलते आखिर पदाधिकारी किसे समर्थन करेंगे, ये चर्चा का विषय है, जिसके चलते प्रमुख पदाधिकारियों के मनोगत और रुझान जानने के उद्देश्य से नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा गणेश पेठ स्थित पार्टी कार्यालय में सभा का आयोजन किया गया था। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र बंग की उपस्थिति में शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, शेखर सावरम बांधे, साथ ही साथ सभी विभागीय अध्यक्ष, फ्रंटल सेल अध्यक्ष, व्यापारी आघाड़ी आदि सभी आघाड़ियों के साथ ही महिला आघाड़ी के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय सर्वमत से कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन शरद पवार के गुट को दिया और संगठन के निष्ठा के प्रति प्रतिज्ञा पठन भी की गई। ले लिया है सारे विभाग के हमारे शहर के कार्यकारिणी के लोग पदाधिकारी उनके साथ में चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है कि सारे के सारे पदाधिकारी का एक मत ये रहा कि आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के श्री शरद चंद्र पवार साहब इनके ही साथ में रहेंगे आखिर तक के मरते दम तक के। नागपुर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सारे पदाधिकारी यहाँ पे साथ में रहेंगे। दर्शकों, दो दिन पहले देश की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल मच गई है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका 10 जून 1999 को स्थापना हुई थी, वर्धापन दिन 10 जून को सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने मनाया, लेकिन कुछ 3 दिन पहले ही अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के साथ जाकर शपथ ली उप मुख्यमंत्री पद की। उसके बाद से राष्ट्रवादी में काफी बड़ी हलचल मच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माजी मंत्री रमेश चंद्र जी बंग, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला के और राज्य के काफी बड़े नेता है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आज इस सभा में क्या अभिमत व्यक्त किया गया, क्या अभिमत व्यक्त किया गया, आज आप किसके साथ है, ऐसा सीधे तौर पर पूछा जाएगा। हम शरद चंद्र जी पवार साहब के कांग्रेस साथ में है सभी लोग, और पार्टी में एक मत से निर्णय लिया गया कि सभी लोग साथ में रहेंगे और शरद पवार साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, पार्टी को बड़ा करने के लिए सब लोग सक्रिय से काम करेंगे, ऐसा लोगों ने कहा, उसका समर्थन मैं भी करता हूँ। ग्रामीण में वही स्थिति है और वो सारे बातें अच्छी तरह से होगी। हम पार्टी को बहुत मजबूती के साथ में लोगों के सामने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, इतना मैं कहूँगा। कहीं ना कहीं अजीत पवार गुट अलग होने के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो उसकी त्रुटि आप किस प्रकार से भरे? नहीं, जनता के बीच में आएंगे और जनता उसकी त्रुटियां भरेंगे। दर्शक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहर की फायर ब्रिगेड कहा जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रेवतकर मैडम, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर महिलाओं का मत किस ओर है। सुप्रियादाई सुले जैसा बड़ा नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर है, तो आप क्या कहना चाहेंगी, अजीत पवार गुट अलग होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिलाओं का मत किस तरफ जाएगा? मैं 1991 से पवार साहब के विचारधारा पे चलने वाली हूँ। जब नया पक्ष स्थापन हुआ तब भी पवार साहब के साथ थी। आज नागपुर शहर में हम आदरणीय अनिल देशमुख साहब, आदरणीय बंग साहब, इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और आगे भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। रहा सवाल सुप्रियाताई सुले का, तो सुप्रियाताई सुले सांसद रत्न है, उन्होंने अपने कार्यकर्तृत्व से अपनी छवि बनाई है, अपनी एक जगह बनाई है और यशस्विनी अभियान के तहत उन्होंने अनेक महिलाओं को रोजगार दिया हुआ है। आज भी वो महिलाओं के लिए, भले ही दिल्ली के सांसद रही हो लेकिन आज राज्य में भी वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारी नागपुर शहर की महिलाएं सपोर्ट करेंगी कि, और हम राष्ट्रवादी के आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के ही साथ में है, यही हम जाहिर करते, पहले भी उनके साथ में थे, आज भी है और भविष्य में भी हम आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब जी के ही साथ रहेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, राज्य की राजनीति में इतना बड़ी उथल मुथल हो चुकी है और शहर में भी कहीं ना कहीं पूरे राज्य भर में आज मीटिंग ली जा रही है, राज्य भर में सभाएं ली जा रही है, आखिर देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दारोमदार किस प्रकार से होता है। और इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष तेमरे, इंडिया न्यूज के लिए नागपुर।